आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। रियल एडवेंचर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्यूल रेलवे स्टेशन के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। क्यूल रेलवे स्टेशन में पिछले कई महीनों से लगातार RI इंटरलॉकिंग का काम चल रहा था। नए ब्रिजों के साथ सारे प्लेटफॉर्म्स को जोड़ा गया। क्यूल में 3 नए प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और साथ में आपको बता दूँ, इसी कोविड पीरियड में मैंने ब्रह्मपुत्र मेल में जर्नी की थी, तो उसी जर्नी को आप देख पा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि रेलवे से जुड़ी जानकारी, लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख पा रहे हैं हमारी ट्रेन ब्रह्मपुत्र मेल, धीरे धीरे इसको सिग्नल मिल चुका है। अब ये धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ती भी, आप यहाँ पे कॉशन बोर्ड भी देख पा रहे हैं, 30 किलोमीटर का कॉशन बोर्ड। अब आप जो हमारे बगल में लाइन देख पा रहे हैं, ये डबल लाइन जो है, ये हावड़ा की ओर से आप देख पा रहे हैं। ये हावड़ा दिल्ली मेन लाइन का है, ये हावड़ा का एंड है। और क्यूल में अब हमारी यहाँ पर इस पॉइंट पर जहाँ पर अब हमारी गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर दोनों साइड से, हावड़ा के साइड से भी और जमालपुर के साइड से भी, दोनों ट्रैक्स यहाँ पे मिलते हुए। ये बहुत बड़ी परेशानी पहले क्यूल में रहती थी कि दोनों ट्रैक्स यहाँ पे मर्ज होते थे और जो ट्रेन आती थी जमालपुर के साइड से, उनको काफ़ी देर वेट करना पड़ता था कि हावड़ा की ट्रेन पास हो जाए और फिर उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाता था। पर अब ये RRI इंटरलॉकिंग और प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन के बाद ये परेशानी दूर हो जाएगी। आप ये जो दो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, नए प्लेटफॉर्म 7 और 8 की ओर जा रहा है और इसका निर्माण करेंटली चल रहा है। इसका भी अपडेट आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसके निर्माण हो जाने के बाद भागलपुर से जो, जमालपुर से जो गाड़ी आएगी, उसको आउटर पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो 7 और 8 प्लेटफॉर्म पे चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक मर्जिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं अब हमारी गाड़ी लगभग प्लेटफॉर्म में एंटर करती हुई। आसनसोल का पुराना वैग 7 यहाँ पर खड़ा हुआ आप देख पा रहे हैं, पुरानी लिवरी, अब ये मिलती नहीं है जल्दी। क्यूल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हम एंटर करते हुए, पहले प्लेटफॉर्म नंबर 3 होता था, पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बगल में जो न्यू प्लेटफॉर्म अब का जो 1 बन गया और वो जो 1 था वो 2 बन गया, और इसी प्रकार सारे प्लेटफॉर्म एक एक पीछे हो गए। जो 2 था वो 3 बन गया, 3 था वो 4 था, 4 बन गया। तो आप देख पा रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर की कॉशन के साथ प्लेटफॉर्म पर ब्रह्मपुत्र मेल एंटर करती हुई। क्योंकि मैं 2S कोच से जर्नी कर रहा था तो मेरी कोच सेकेंड लास्ट थी। तो आप देख पा रहे हैं लगभग हमारी पूरी ट्रेन एंटर कर चुकी है क्यूल रेलवे स्टेशन पे। अब यहाँ पे जो आपको लेटेस्ट अपडेट है क्यूल रेलवे स्टेशन के बारे में, उसकी जानकारी अब मैं आपको पूरी विस्तार से देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और पूरा देखें, आपको क्यूल के डेवलपमेंट से रिलेटेड पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। नमस्कार, आपका स्वागत है रेल एडवेंचर यूट्यूब चैनल में। आप देख पा रहे हैं मैं क्यूल रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ। डिब्रूगढ़ दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल से मैं आज सफ़र कर रहा हूँ पटना तक इस ट्रेन में। भागलपुर से मैंने इसको बोर्ड किया था। क्यूल रेलवे स्टेशन में पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कार्य कराए गए हैं दोस्तों। जैसा आपको पता है यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पीछे मेरा डिब्रूगढ़ मेल है, आप देख पा रहे हैं लगातार। अब आपको दिखाना चाहता हूँ मैं इधर न्यू प्लेटफॉर्म को। आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे पीछे न्यू प्लेटफॉर्म है, जो उसका प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 है। आप देख पा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर ये 1 और 2 है। मैं जिस पे खड़ा हूँ ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है और साथ में 4 है, और फिर उस साइड दोस्तों ओवर ब्रिज के साइड 5 और 6 है, और 7, 8 का निर्माण लगातार चल रहा है दोस्तों। वो भी मैं आपको इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा, वो जो निर्माण कार्य चल पा रहा है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी ट्रेन यहाँ पे 25 मिनट पहले आ गई थी दोस्तों। डिब्रूगढ़ मेल का कम से कम क्यूल जमालपुर से क्यूल के बीच में 45 मिनट से 50 मिनट का दोस्तों बस ये सफ़र है, और इसको काफ़ी ज़्यादा दोस्तों लंबा कर दिया गया है। लगभग करीब करीब वहाँ से 9:05 पे खुलने के बाद ट्रेन का यहाँ पे टाइम 10:47 है दोस्तों। तो डेढ़ घंटे कभी नहीं लगते दोस्तों क्यूल तक आने में। तो दोस्तों यहाँ पर टाइम इसका अपडेट किया जा सकता है दोस्तों। जैसा आप देख पा रहे हैं बूंदाबांदी भी थोड़ी सी स्टार्ट हो गई है, काफ़ी प्रोटेक्शन के साथ। काफ़ी गर्मी भी लग रही है दोस्तों, पर सफ़र करना पड़ता है, ज़रूरी है। तो आप देख पा रहे हैं नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण, जो बाहर तक जिसका ये आप देख पा रहे हैं आउटर। अभी मैं थोड़ी देर में आपको क्यूल ब्रिज जो नया है वहाँ से भी ट्रेन क्रॉस करेगी, तो वो भी अपडेट आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं क्यूल रेलवे स्टेशन पर ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा
उसकी हाइट तो बहुत अच्छी है जो प्लेटफॉर्म मेरे पीछे है। और ये प्लेटफॉर्म आप जैसे देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ट्रेन आप देख पा रहे हैं कि कितनी हाइट पे, 1, 2, 3 स्टेयर्स और चौथे पे आप जाके कोच पे चढ़ पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्यूल रेलवे स्टेशन में, जिसको जल्द से जल्द सुधार करने की ज़रूरत है और उम्मीद करता हूँ ये जरूर सुधार किया जाएगा। अब मैं आपको इस वीडियो में क्यूल रेलवे स्टेशन से जुड़ा तीसरा बड़ा अपडेट देने वाला हूँ। आप देख पा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5, 6 के बाद 7 और 8 का निर्माण लगातार जारी। आप पिछले बार आपको मैंने वीडियो में दिखाया था किस प्रकार प्लेटफॉर्म 7 और 8 का ग्राउंड रिपोर्ट, किस प्रकार उसका काम किया जा रहा है। तो अब काफ़ी हद तक निर्माण इसका हो चुका है। आप सीमेंट के सपोर्ट के स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं और उसके पूरी तरीके से लगभग मिट्टियों के भरने का काम हो चुका है और बहुत जल्दी इसको ढाल दिया जाएगा। इसके बाद प्लेटफॉर्म का काम पूरा हो जाएगा और भागलपुर और जमालपुर से आने वाली गाड़ियों की जो परेशानी रहती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा क्यूल के नए ब्रिज से गुजरती हुई ट्रेन को और लखीसराय का सारा अपडेट बताऊंगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको मैंने पूरी जानकारी दी होगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और रेलवे से जुड़ी कोई भी जानकारी पाने के लिए आप मुझे कॉमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।